जिस देश में एक राष्ट्रपति हिंदू है, जिस देश में एक उपराष्ट्रपति हिंदू है, जिस देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है, जिस देश में एक रक्षा मंत्री हिंदू है, जिस देश में एक गृह मंत्री हिंदू है, तब भी मुझे आपको लोगों को यह बताने में बड़ा दुख हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र से पहले हमारे देश को गौ हत्या मुक्त होना चाहिए। हमारे देश में गौ की हत्या होती है जब एक प्रधानमंत्री हिंदू है, उसके बावजूद मांस उत्पादन में और एक्सपोर्ट करने में नंबर वन पर है। हमारे देश को गौ हत्या मुक्त होना पड़ेगा। गौ हत्या से मुक्त हो जाएगा तो अपने आप ही वह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि हमारे देश का ही हिस्सा है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल। यह ऐसे राज्य हैं जहां पर गौ हत्या पर कोई रोक नहीं है। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि इसके लिए आवाज उठाएं और इन कत्लखानों को बंद कराएं। हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनेगा, सर्वप्रथम गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए इस देश में। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और गृह मंत्री तक यह आवाज पहुंचे और हमारा देश गौ हत्या से मुक्त हो जाए, वह सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो हमारी जगत जननी गौ माता है उनकी हत्या पर रोक लगे और जो गौ हत्या करे उसे फांसी की सजा हो।